हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। यार आप सभी का मेरे चैनल पे वापस है। तो यार आज की वीडियो के अंदर यार हम लोग वापस आ चुके हैं अपने फेक पिक्सल के अंदर। और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यार, यहाँ पर हम लोगों ने यार अपना पूरा आयरन तो एक्सपेंड कर दिया। और यहाँ पर अभी ग्रास भी बहुत जल्द फैल जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है यार, आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा मनी ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग यार दिन के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। और ये मनी ट्रिक रिलेटेड है यार डंजन्स के। तो यार इसके लिए भी आपको मैं बताता हूँ कैसे यार आप लोग ये मनी ट्रिक कर सकते हो। यार ये बहुत ही आसान मनी ट्रिक है और आई होप सो यार कि ये आप लोग कोई भी यार आराम से कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो को ध्यान से देखना यार। डंजन से आपको यार मनी कमाने का तरीका बताने वाला हूँ, जो कि यार लिटरली बहुत हार्ड होते हैं डंजन से, लेकिन मैं आपको डंजन एंट्रेंस से यार मनी ट्रिक कमा के दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यार अपने मिनियन को क्लिक करते हैं। और यार ये कभी मेरा फुल ही नहीं होता। अच्छी मिनियन पता नहीं यार कितना काम करता है। लेट्स सी, जस्ट यार लिटरली पूरा भर बचा हुआ है अभी 3 आवर। और यहाँ पर इसने ऑलरेडी अच्छा खासा वर्क किया। और एक बार यार मेरे को कलेक्शन देखना है फिशिंग का। और क्ले तो मेरे को पता ही है, इंक सैक ये देता नहीं है। और लिली पैड तो यार मेरे को नहीं लगता है कि ये देगा। बाकी प्रिज्मरीन क्रिस्टल का मैक्स है, ये भी मैक्स है। ये बचा हुआ है कितना लास्ट है भाई, 18 के यार बहुत ज़्यादा है। बाकी ये बस 4 के, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा चाहिए। और इसमें तो और ज़्यादा लगने वाला है, 10 के चाहिए भाई। और ये तो बहुत ज़्यादा 50 के जाता है भाई, 50-60 के। ये तो यार बहुत टाइम लगने वाला है। तो अभी हम लोग यार सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पर से क्लिक करता हूँ उसको और नहीं हो पा रहा। चलो कोई नहीं, अभी मिलते हैं यार हब के अंदर जाने के बाद। तो चलो यार इसको यहाँ पर अभी हम लोग जल्दी से यहाँ पर सेल कर देते हैं जो भी हमारे पास है। तो यहाँ पर से जल्दी से चलता हूँ मैं और चल करके सेल कर देता हूँ बाज़ार पे। और मैनेज आइटम्स में कुछ नहीं है, सेल सेक्स 992,000 नाइस। और अभी हम लोग इसको सेल कर देते हैं 188 के यार, क्योंकि यार यहाँ पर सोलो फ्लो यार बहुत ही अच्छा हमें यार यहाँ पर प्रॉफिट करके देता है, जो कि यार बहुत अच्छी बात है। और यार इस ट्रिक से यार आपको बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट होने वाले, जो मैं आपको बताऊँगा आज। तो उसके लिए यार सबसे पहले आपको एक न्यू प्लेयर चाहिए जिसके पास कोई भी टाइप का ड्रैगन आर्मर नहीं है, क्योंकि हम नहीं मैं नहीं चाहता यार कोई न्यू मेरे से मतलब यार परेशान हो इस ट्रिक की वजह से। तो उसको आपको सबसे पहले पार्टी में लेना है स्लैश पी हिंटर नू। तो जैसे कि मैंने इसको एक्सेप्ट करने को बोलता हूँ यार, कर लो भाई। तो देखो यार जैसे कि इसने यार यहाँ पर अभी हमारा पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो अभी आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर से सीधा चले आना है अब डंजन्स के अंदर। इससे क्या होगा यार कि आप अकेले बैठ करके अपना डंजन्स कर सकते हो और कोई आपको परेशान करने के लिए भी नहीं आने वाला है। तो अभी आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पर डंजन्स के अंदर जाना है। और डंजन्स के अंदर यार यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर से मिलने वाला है, मतलब यार जो होता है एंट्रेंस के अंदर आपको एंट्री लेना है। तो मैं जल्दी चलता हूँ यार और एंट्रेंस के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर से आपको सीधा एंट्रेंस में आना है और स्काई ब्लॉक डंजन जैसे कि मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पर आने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे यहाँ पर, और वो प्लेयर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके पास कॉम्बैट 16 नहीं है। तो ये फ़ायदा होता है। और इसके बाद यार आपको मोड के पास आना है, और एटलीस्ट यार आपके पास कोई एक अच्छा सी चीज़ होनी चाहिए। लाइक मैं यार यहाँ पर किस रीपर आर्मर यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास समिदास भी है और एक जुजुबू भी है जिसके हेल्प से यार मैं कर रहा हूँ। बाकी अभी स्टार्ट होने देते हैं इसको। तो चलो यार स्टार्ट तो हो चुका है। और यार मिदास पे ये जो फायर वाला है ना, जिससे क्या होता है सराउंडिंग के मॉब्स भी आसानी से मर जाते हैं लिटरली। ये देख लो यार जैसे कि, लेकिन यार यहाँ पर हमें आर्चर से थोड़ा प्रोटेक्ट रहना पड़ेगा, और नहीं तो यार यहाँ पर ये देखो क्या दिक्कत होता है यार, लिटरली बहुत ही लो हेल्थ कर देते हैं यार ये। रीज़न बस ये है यार कि यहाँ पर अभी हम लोग यार मतलब कि रीपर आर्मर की हेल्प से तो यार ये कर नहीं सकते। तो एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले मैं अपना आर्मर एक बार चेंज कर लेता हूँ। तो ये वाला ड्रैगन आर्मर पहन लेते हैं, जिससे क्या होगा ना अभी हम लोग स्केलेटन्स को वन शॉट कर लेंगे आराम से। और ये देख लो अगर वो पार्टी लीव भी कर देता है तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यार यहाँ पर ये भाई जो देख रहे हो ना, बहुत ही गंदे वाले डैमेज देता है ये। और मेरे पास एक इपिक रेडलॉट स्वॉर्ड भी है, तो इसकी हेल्प से हम लोग इसको मारते हैं। तो ये लो यार यहाँ पर इसी के साथ हमें ब्लेसिंग ऑफ स्टोन मिल चुका है। और इस तरफ भी रूम है, तो आपको बस यहाँ पर इसी तरीके से यार रूम्स फाइंड करते रहना है, जिससे क्या होगा मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा यार। तो यहाँ पर से मेरे को भागना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो यार जल्दी से भागते हैं और चल करके यार अपना आर्मर वापस से मेरे को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार यार यहाँ पर लो हेल्थ वाली चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। लाइक यार ये स्केलेटन मेरे को पता है थोड़ा प्रॉब्लम करता है यार, लेकिन मतलब यार हर जगह पर तो नहीं लेके जा सकते हैं वो वाला आर्मर, बहुत ही बेकार होता है।
तो अभी मैं यहाँ पर से विदर डोर खोलता हूँ और यहाँ पर आकर यार इन मतलब यार इनको किल करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यार कि आपको प्रॉफिट यहाँ पर से कैसे होगा। और एक मिनट यार, मैं एक काम करता हूँ, अपने इस स्वॉर्ड का हेल्प भी तो ले सकता हूँ यार, मैं भी क्या ही कर रहा हूँ। चलो यार सबके सब जाओ यार यहाँ से। तो जल्दी ले यार इनको, ड्रेडलॉर्ड स्वॉर्ड की हेल्प से ही मैं आधों को मार देने वाला हूँ। और बाकी यार ये जो आप रूम देख रहे थे ना, अभी आपको वहीं पर जाना है, आपका मेन काम वहीं पर। तो मैं यहाँ पर से चलता हूँ और सबसे पहले यार इन दो नमूनों को उड़ाते हैं। और ज़ॉम्बी यार, ज़ॉम्बी को हम लोग यार ईजिली इससे किल कर देंगे। और अभी यार यहाँ पर जो मेन आता है ना वो ये है लिटरली यार, यहाँ पर अभी बहुत सारे भर भर के मॉब्स आने वाले हैं, अभी आपको इन सबको मारना पड़ेगा तभी आप कुछ कर सकते हो। और ये एक स्केलेटन यार, क्या गंदे वाले डैमेज दे रहे हैं भाई यार ये लोग। तो चलो यार यहाँ पर ये अभी मेरे को डैमेज देते जाएगा जब तक का मैं इसको मार देता हूँ। और इससे नहीं भाई यार, गलती गलत सॉरी हो गया भाई। ये ड्रेडलॉर्ड यार सबसे ख़तरनाक होता है, इनसे बच के रहना, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। इतने ख़तरनाक होते हैं ना भाई यार, बहुत ही गंदे वाले डैमेज देंगे एक तो यार आपको। और अभी तुम सब जाओ भाई, मरो सब, सब के सब यार इससे स्वाड से मर जाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर से ये भी मर जाएगा। तो मैं आपको मिलता हूँ यार मेन काम करने के बाद, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो काम करने के बाद। तो यार यहाँ पर थोड़ी देर बाद यार मेरे को अपना टेक्सचर पैक हटाना पड़ा, क्योंकि यार इतना ज़्यादा लैग करने लगा था, क्योंकि यहाँ पर यार मैं हाई टेक्सचर पैक वाला मतलब कि यूज़ कर रहा हूँ। और डंजन में वो भी यार बहुत ही गंदे लैग वाला, तो जो कि अभी भी हो रहा है और आपको नॉर्मली ये देखने को नहीं मिलता होगा मेरे वीडियोज़ में, लेकिन यार ये बहुत गंदे वाला लैग वाला था। और मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था यार वो मेरे को मिल भी चुका था, तो अभी मैं आपको यार उसके पास लेके चलता हूँ। लेकिन यार यहाँ पर बहुत ही गंदे वाला लैग हो रहा है, इसका रीज़न यार क्योंकि मैं यहाँ पर मोड्स और रिसोर्स पैक है यार मेरे अंदर, मतलब यार मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वजह से। और जिस मेंबर की मैं बात कर रहा था वो यार ये आप देख सकते हो यार उसका नेम टैग, तो जो जिसमें आ रहा है आपको सुपीरियर ड्रैगन आर्मर तक भी मिल सकता है, फ्लोर वन में मिलता है बेसिकली वो। और नहीं तो यार यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ये एक मिल सकता है, इसको हम लोग यार यहाँ पर बाहर से मारने का ट्राई करते हैं, क्यों यार वेस्ट करना वैसे भी आकर के अपना हेल्थ। और ये डैमेज भी अच्छा खासा दे देता है, लेकिन अगर आप ट्राई करोगे कि इसको मतलब क्या मारने का दूरी से, तो ये मर भी सकता है। तो अभी हमारा ख़त्म हो चुका है, तो जल्दी चल के इसको मारते हैं। और ये ज़्यादा होने पर यार ये खाने भी लगता है, मतलब क्या इंचांटेड गोल्ड होने पर ये सारी चीज़ें खाने लगता है। तो यार आप अगर इतना करके आपको लीव कर देना है बेसिकली, अगर आपको लीव नहीं करना, आपको अपना कैटाकॉम्स लेवल इंक्रीज़ करना है, तो जैसा आप लोग करते हो यार पूरा डंजन प्ले करो और जहाँ भी जाना हो जा कर के यार मॉब्स को मारो, उसके बाद आप लोग इसको एंड कर सकते। तो चलिए यार यहाँ पर बहुत डेंजरस हो गया, तो अभी हम लोग यहाँ पर से चलते हैं हब के अंदर और जाकर के यार इंचांटेड सॉरी इंचांटेड बोल रहा हूँ ये ड्रैगन फ्रैगमेंट भी सेल करता हूँ। और यार यहाँ पर मेरे को टू थ्री मिनट्स का टाइम लगा है, बस मैंने बस यार यहाँ पर इसको बस किल किया। और मैं ज़्यादातर यार टाइम मैंने वहाँ पर उसको मतलब यार डेंजरस करने में टाइम बिता दिया, वैसे यार बेसिकली 2 मिनट्स के अंदर मेरे को ये मिल चुका था। और यंग ड्रैगन फ्रैगमेंट बेचने पर हमें 10K के एटलीस्ट मिल रहा है, और अगर यहाँ पर हमें वाइट ड्रैगन आर्मर कभी मिल जाता है तो फिर यार मतलब कि बहुत ही ज़्यादा होगा। और या तो फिर अगर हमें सुपीरियर ड्रैगन फ्रैगमेंट मिल जाता है, तो एक फ्रैगमेंट जो होता है यार 90K का होता है, तो अगर 2-3 भी मिल जाता है 270K आप लोग आराम से कमा सकते हो कुछ ही टाइम के अंदर यार। और ये ट्रिक से आप बहुत ही अच्छा खासा पॉइंट्स कमा सकते हो और टाइम का भी बचत कर सकते हो यार, क्योंकि अगर बेसिकली देखा जाए तो ये ट्रिक भी मतलब कि यार ये नॉर्मल फ्रैगमेंट वाला ये बेकार नहीं है। तो मिलते हैं यार अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।